रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला न हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मी मक्कियल मदनी अरबियल क़रशी अर्रसूलिल मुसद्दद वल मुस्तफ़ल अमजद महमूदिल अहमद अबुल क़ासिम मोहम्मद। वहल बैत तय्यबीन ताहरीन अलमासूमीन अलमजलूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिस्सा व तहरहुम तत्हीरा। ला सियमा बक़ियतुल्लाह फ़िल अर्ज़ीन अल-इमामिल मुंतज़र वल हुज्जते सानी अशर आयतुल्लाहिल उज़्मा वल हुज्जतिल कुब्रा रूही वारवाहिल आलमीन अल-तुराब मक़दमिहिल फ़िदा वला अनल्लाहु अला दाइहिम व अला गासिबे हुकूक़िहिम व अला मुनकिरे फ़ज़ाइलिहिम मिन अलाने इला क़ियामे यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजा। दुरूद भेजिए मोहम्मद। अल्लाह के रसूल हुजूर क़तमी मरतबत हज़रत अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, हुसैन हिदायत का चिराग है, हुसैन निजात का सफ़ीना है। यह हुसैन इब्ने अली की ज़ात है। और इंशाअल्लाह जो मेरा मौजू चल रहा है आप मोमिनीन की खिदमत में, आज रात को उस सिलसिले की आखिरी कड़ी पेश करूँगा। मगर इस वक्त वो हुसैन इब्ने अली, वो ज़ात हुसैन और वो शरफ़ खुदा की तरफ से और रसूल की तरफ से हुसैन को हासिल हुआ कि जो किसी को हासिल नहीं हो सका। ये फ़ज़ीलत हुसैन इब्ने अली है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। यकीनन हमारे पास अमीरुल मोमिनीन के लिए भी ऐसी ही हदीस पहुँची है, इमाम हसन के लिए भी ऐसी ही हदीस पहुँची है, मगर वहाँ पर अल्फाज के फ़र्क के साथ, अल्फाज का फ़र्क है। अलीयुन मिन्नी व अना मिन्हो, अली मुझसे हैं मैं अली से हूँ। हसनो मिन्नी व अना मिन्हो, हसन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। मगर जब हुसैन इब्ने अली की मंजिल आ गई, जब हुसैन इब्ने अली का काम आ गया, तो अल्लाह के रसूल ने अभी तक नाम जो आया था, अली का नाम एक जगह पर आया, हसन का नाम एक मकाम पर आया, मगर जो हुसैन इब्ने अली के लिए कहा वो हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। इशारा भी किया और इसमें हुसैन की तरफ भी जो दिलाई और बता दिया, यानी फ़कत इस तरीके से नहीं है कि पैगाम की, बल्कि ज़ात हुसैन भी बक़ा का ज़रिया है, ज़ात हुसैन भी बक़ा का ज़रिया है। और ये वजह क्या है? तो यकीनन हुसैन तो अल्लाह के रसूल से है ही, रसूल के नवासे हैं, रसूल के नवासे हैं यकीनन, मगर आना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ। इसका सबब क्या है, इसकी वजह क्या है? तो देखिए, इसके लिए हमें तारीख़ में पीछे जाना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा कि जब कलील इलाही ने अपने बेटे को ज़िबा करने के लिए लिटाया था, ज़िबा करने के लिए लिटाया था, तो खुदावंद करीम ने क्या हरकत नहीं की? पूरी जो हरकत करनी चाहिए हज़रत कलील ने वो हरकत की। मगर क़ल्लाक़ आलम ने इरशाद फरमाया, फ़दाए नाहु बिज़िबहिन अज़ीम, ए इब्राहीम हमने इसको ज़िबह अज़ीम में बदल दिया। और याद रखिए कि खुदावंद करीम ने जनाब इस्माईल को जो बचाया है वो आफियत पसंदी के लिए नहीं बचाया कि इस्माईल को बचाना इसलिए मकसूद था कि नबी के बेटे थे, नहीं, क्योंकि बहुत सारे अंबिया ऐसे हैं जिनको ज़िबा कर दिया गया। बनी इसराइल ने 40 अंबिया को कत्ल किया, ज़िबा किया, तलवार को कुंद नहीं किया गया। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम ज़िबा हुए, तलवार को कुंद नहीं किया गया। फिर वजह क्या थी इस्माईल को बचाने की? इस्माईल को बचाने का वजह क्या थी? क्यों इस्माईल को बचाया गया? इसलिए कि देखिए खुदावंद करीम का मकसद क्या है कि हर चीज़ में, हर सिफत में एक मिसाली चीज़ दुनिया के सामने पेश करनी है जो हमेशा हमेशा के लिए जिंदा हो, ताबिंदा हो जाए। तारीख़ जब कभी भी उस वाक़े को देखे, जब कभी भी उस पर गौर करे, तो हमेशा हमेशा के लिए वो जिंदा और ताबिंदा रहकर लोगों के जहनों को क़यामत तक के लिए हिदायत फराहम करती रहे, हिदायत का इंतज़ाम होता रहे। इस मकसद के लिए क़ल्लाक़ आलम ने, तो वजह क्या थी, क्यों बचाया इस्माईल को? तो इस्माईल को बचाने का मकसद ये था कि आज अगर इस्माईल ज़िबा हो जाते, इस्माईल ज़िबा हो जाते, तो इस्माईल की नस्ल के अंदर अल्लाह के रसूल को भी आना है और इस्माईल की नस्ल में भी खुदा के इल्म में है एक ऐसी क़ुरबानी इस्माईल की नस्ल में मौजूद है कि जिस क़ुरबानी की मिसाल तारीख़ आज़म व आदम में नहीं मिल सकती। तो क़ल्लाक़ आलम ने इस्माईल को बचा कर बता दिया, हम इस्माईल को इसलिए बचा रहे हैं ताकि ज़ुर्रियत इस्माईल में एक ऐसी कुर्बानी आए कि क़यामत तक जिंदा हो, ताबिंदा रह जाए। तो अल्लाह के रसूल जो फरमा रहे हैं कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं भी हुसैन से हूँ, इसके सबब यह है कि बका हुसैन इब्ने अली की वजह से है। अगर हुसैन ज़ुर्रियत में ना होते इस्माईल ज़िबा कर दिए जाते, ज़िबा कर दिए जाते, वो नस्ल आगे ही ना बढ़ती। यह हुसैन इब्ने अली की मंजिल है। और अरबाब अज़ा, जो चीज़ भी हुसैन के नाम से मंसूब हो गई ना, जो चीज़ भी हुसैन इब्ने अली से मंसूब हो गई, खुदावंदे करीम ने उसको सब पर शरफ़ अता फरमा दिया, सब पर शरफ़ अता फरमा दिया। कोई ऐसा साहिब शरफ़ है ही नहीं जो हुसैन से मंसूब हो जाए, वो शरफ़ की मंजिल पर पहुंच जाता है। यही वजह है, यही वजह है। रिवायात में मिलता है कि ज़मीन हरम ने, मक्के की सरज़मीन ने अपने ऊपर फ़ख्र किया, अपने ऊपर फ़ख्र किया कि मैं वो सरज़मीन हूँ कि मेरे ऊपर काबा मौजूद है, जमज़म मौजूद है, सफ़ा व मरवा मौजूद हैं। मुझसे बेहतर कौन हो सकता है, मुझसे बुलंद कौन हो सकता है? तो ज़मीन करब बला ने कहा, ए ज़मीन मक्का, तेरा शरफ़ अपने मकाम पर, तेरी मंजिल अपने मकाम पर, मगर खुदावंद करीम ने तुझसे 20,000 साल पहले मुझे जाए हरम करार दिया है, मुझे मोहतरम करार दिया है। और फिर रिवायतों में है, खुदा की तरफ से भी इरशाद हुआ, खुदा की तरफ से भी इरशाद हुआ कि ऐ ज़मीन मक्का, मैंने ज़मीन कर्ब बला को तुझसे पहले हरम करार दिया है। ये शरफ़ है, एहतराम की मंजिल, शरफ़ ज़मीन कर्ब बला है। और खुदा ने नर्स किया ना, जब कोई मंसूब हो जाता है हुसैन से तो खुदा बंदे करीम उसे वो शरफ अदा करता है कि हमें क़यामत तक किसी को नसीब ना हो सके। ज़मीन कर्ब बला का दूसरा शरफ ये है कि ज़मीन कर्ब बला 12-12 मील के अर्ज तक मुक़द्दस मकाम कहलाता है कर्ब बला। और ज़मीन कर्ब बला ज़रिए इमाम हुसैन से लेकर चारों तरफ 20-20 गज के फासले तक जन्नत का टुकड़ा है, जन्नत का टुकड़ा है। आप लोग हज और उम्रे में जाते हैं ना और मदीना तशरीफ ले जाते हैं, वहाँ पर एक रियाजुल जन्ना है ना, जन्नत का मकाम है, तो वहाँ पर बाज़ औक़ात कितनी भीड़ लगती है एक दो रकत नमाज अदा करने के लिए, नमाज अदा करने के लिए। रियाजुल जन्ना, ये रियाजुल जन्ना का मकाम है और ये कर्बो बला का मकाम है, ये कर्बो बला की मंजिल है। वो 20-20 गज के फासले तक सब ये ज़मीन कर्बो बला, ज़मीन कर्बो बला जन्नत का टुकड़ा है। मुराद क्या है इसकी, मुराद क्या है जन्नत के टुकड़े से, मुराद क्या है इससे? मुराद ये है कि आइम्मा ने फरमाया ये जो टुकड़ा है ये टुकड़ा क़यामत के दिन खुदावंदे करीम इसे इसी तरीके से आसमान पर उठा लेगा, इसी तरीके से आसमान पर उठा लेगा और ये जन्नत में एक बाग की सूरत में रहेगा, एक बाग की सूरत में रहेगा। और ये वो अर्ज होगी जन्नत में भी, ये वो मकाम होगा जिसको जन्नत के तमाम मकामात पे शरफ भी हासिल होगा, फजीलत भी हासिल होगी, क्योंकि यही अर्ज होगी, यही वो जन्नत का मकाम होगा जिसमें खल्लाक़ आलम अम्बियाए जो उलुल अज़्म अम्बिया हैं उनके तमाम घरों को इसी जगह पर करार देगा। यहीं पर हज़रत नूह का घर होगा, यहीं पर हज़रत इब्राहीम का घर होगा, यहीं पर हज़रत मूसा का घर होगा, यहीं पर हज़रत ईसा का घर होगा, यहीं पर ख़ातमुल अंबिया अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा। हुज़ूर अकरम का घर होगा। ये शरफ़ ख़ास है ज़मीन कर्बो बला को, ये शरफ़ ख़ास मिला है ज़मीन कर्बो बला को। और ज़मीन कर्बो बला का एक शरफ़ ऐसा है कि इससे ऐसी खुशबू आती है, ऐसी खुशबू आती है कि किसी ज़मीन से वो खुशबू नहीं आती। अल्लामा मजलिसी रकम फरमाते हैं कि एक फ़रिश्ते ने जब ये देखा, अभी हुसैन शहीद नहीं हुए हैं, मैंने कहा ना कि हुसैन वो हस्ती है जिनका ज़िंदगी में मातम किया गया है, ज़िंदगी में मातम किया गया, अभी हुसैन शहीद नहीं हुए हैं। उसने देखा कि हुसैन को शहीद किया जाने वाला है, उसने अपने बालों पर नोच लिए और कहा, ऐ ज़मीन की मखलूक़ात, ऐ आसमान के रहने वालों, अभी से हुसैन का गम शुरू कर दो, अभी से हुसैन का गम शुरू कर दो। रसूल का नवासा मारा जाएगा, फातिमा का लाल मारा जाएगा। इस गमो अलम के आलम में उसने थोड़ी सी खाके करबला को लिया, खाके करबला को लेकर वो आसमानों की तरफ गया, आसमानों की तरफ गया। जब आसमानों पर वो पहुंचा है तो खाके करबला की ऐसी खुशबू थी, ऐसी खुशबू थी कि जन्नत में भी उसके मिसाल कोई खुशबू नहीं थी। जन्नत की हूरें, ग़िलमान, फरिश्ते आए, ये क्या लेके आया है कि जिससे ऐसी खुशबू आ रही है, ऐसी खुशबू आ रही है। कहा ये खाके कर्बो बला है। हर एक ने ख्वाहिश की, हर एक ने ख्वाहिश की। और रिवायतें भी हैं, रिवायतें भी हैं कि खुदावंदे करीम फरिश्तों के, फरिश्तों वैसे कुछ अपने लिहाज से वहाँ पर उस लिहाज से ख्वाहिश नहीं रखते, मगर एक ख्वाहिश ज़रूर है, एक ख्वाहिश ज़रूर है, खुदावंदा हमें ज़िंदगी में करबला की ज़ियारत नसीब फरमाना। यही वजह है बहुत सारे फरिश्ते ऐसे हैं जिनका अभी ख़ल्लाक़ आलम ने वक्त नहीं आया कि करबला जा सकें, मगर जब कभी भी कोई फ़रिश्ता करबला जाता है ना तो यही कहते हैं वहाँ जाना एक तोहफ़ा ज़रूर लाना, थोड़ी सी खाके करबला ले आना, खाके करबला लेकर आना। हर एक की ख्वाहिश है खाके करबला लेके आना। तो ये खाके करबला इतनी खुशबू, और फिर रिवायत बयान करती है ये खुशबू तो खाके करबला की थी, जो खाके करबला लेके आया था उस पर इतनी खुशबू थी, उस फरिश्ते पर, कि उसके मिसल किसी की खुशबू नहीं थी। यही वजह है मेरे और आपके चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मेरे बाबा की खाक के पास से ऐसी खुशबू आती है कि जो खुशबू एक खूबसूरत, एक बहुत खुशबूदार सेब से भी बेहतर खुशबू है। और आपने इरशाद फरमाया कि जब कभी भी हमारा कोई मुखलिस मानने वाला वक्त असर मेरे बाबा की जरी के करीब जाएगा, वो इस खुशबू को महसूस करेगा। ये ज़मीने करबला है, और कोई क्या जाने करबला किसे कहते हैं, किसका नाम है अर्ज़ करबला। मैंने अर्ज किया ना, खाके करबला खाके शिफा है, ये किसी और खाक को हैसियत हासिल नहीं हुई, मंजिलत नहीं मिली, खुदा ने खाके शिफा करार दिया है, खुदा ने खाक को शिफा करार दिया है। और हम और आप तो क्या है, हमारी औकात क्या है। आइम्मा अलैहिस्सलाम, मेरा 10वां इमाम अपने घर में सामेरा में नजरबंद है, इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सामेरा में नज़रबंद हैं। एक मिलने वाला, चाहने वाला मिलने के लिए गया। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम्हें कहीं जाना तो नहीं है? हाथों को जोड़ के कहा, फर्जंदे रसूल, मेरे लिए एजाज़ होगा अगर कोई खिदमत आप दें। कहा, अगर हो सके तो यहाँ से करबला चले जाओ, करबला की खाक पर पहुँच के मेरी सेहत की दुआ करना। कौन कह रहा है? 10वां इमाम कह रहा है, करबला पहुँच के मेरे बाबा की जरी के पास मेरे लिए दुआ करना। वो ये सुन के निकला, अभी बाजार सामरा में पहुँचा था कि मौला का एक चाहने वाला अली बिन हिलाल मिल गए। अली बिन हिलाल ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? कहा, मेरे मौला ने मुझे बुलाया था और बुलाकर ये कहा है कि करबला चले जाओ और मेरे बाबा की जरी के पास मेरे हक़ में दुआ करना। वो घबरा गया। उसने कहा, ये बात तो मुझे कुछ गलत मालूम होती है, मौला खुद हुसैन के बेटे हैं, खुद हुसैन के फर्जंद हैं, और वो अगर दुआ करेंगे तो खुदा के पास से वो चीज़ तो नहीं हो सकती, मुझे ये खबर कुछ गलत मालूम होती है। उसने कहा, मुझे भी इस बात का तुबा हुआ कि हो सकता है कि मैं कोई चीज़ भूल गया हूँ। मैं वापस अपने 10वें इमाम के पास आया और आकर कहा, फर्जंदे रसूल, बाजार सामरा में आपका एक चाहने वाला अली बिन हिलाल मिला था, उसने मुझसे ये बात कही है। मेरे मौला कर चेहरे का रंग सुर्ख हो गया। आपने इरशाद फरमाया, तुझे ज़मीने करबला की अज़मत नहीं पता, फिर यहाँ तौजी की हमेशा के लिए। आपने इरशाद फरमाया, बता हजरे अस्वद ज़्यादा अफजल है या मेरे नाना रसूल अल्लाह? कहा, रसूल अल्लाह ज़्यादा अफजल हैं। फरमाया, ये बता हज में नाना ज़्यादा अफजल हैं या काबा? कहा रसूल अल्लाह ज़्यादा अफजल हैं। कहा फिर क्या वजह है मेरे नाना रसूल अल्लाह कभी हजर अस्वद को पकड़ के दुआ करते हैं, कभी काबे को थाम के दुआ करते हैं। ऐ पूछने वाले, जान ले फजीलत का मकाम अपनी जगह पर, लेकिन कुछ ख़ास जगह है तो खुदावंद करीम ने ख़ास चीज़ों के लिए मखसूस कर दिया है। ये मेरे जद की शहादत थी, जब कभी भी कोई तहते कुब्बा दुआ मांगता है खुदा उस दुआ को रद्द नहीं करता है। ये हुसैन इब्न अली की फज़ीलत। तहते कुब्बा दुआ रद्द नहीं हुआ करती है, दुआ रद्द नहीं हुआ करती है। और करबला की एक ऐसी फजीलत है, मैंने अर्ज किया, जो किसी सरजमीन को हासिल नहीं हो सकी। यह अर्ज करबला है। करबला जब इंसान पहुंचता है और करबलाए मुअल्ला के हापे में दाखिल हो गया, तो जितने दिन वो करबला में रहता है उतने दिन उसकी जिंदगी में शामिल नहीं होते हैं, जिंदगी में शामिल नहीं होते हैं। मिसाल दूं, किसी की जिंदगी 62 साल है, 62 साल है। अब उसके बाद जब वो अर्ज़ करबला पर पहुंचा है, अब उसके 61 साल कंप्लीट हो चुके हैं। करबला में जितने भी दिन उसने गुजारे, मिसालन अर्ज करूं, 1 महीना करबला में रहा और करबला से जब निकला है तो अब उसका आगाज़ उसी दिन से होगा जिस दिन से वो करबला में शामिल हुआ था। उसकी ज़िंदगी वहाँ से शुरू होगी। वो अरसे हयात ज़िंदगी में नहीं लिखता खुदावंद करीम। यह हुसैन का मर्तबा है। और इसीलिए बाज़ों ने रिवायत है, पूछा है मेरे दो अइम्मा से, इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया कि फ़र्ज़ंदे रसूल, हमने ये रिवायत सुनी है लेकिन हमने देखा है कि बहुत से लोग करबला जाकर इंतकाल कर जाते हैं। फरमाया ये वो लोग होते हैं जिनकी ज़िंदगी हुदूद करबला से पहले ही ख़त्म हो चुकी होती है। उनको उस तारीखों पे दुनिया से चला जाना था, मगर खुदावंद करीम ये उनको शरफ़ अता करता है, हयात आधा हो जाती है कि हुसैन की ज़ियारत कर लो। भाई क्या जाने करबला किसे कहते हैं? किसी को पता है करबला किसे कहते हैं? वो गुनाहगार तरीन इंसान जिसको जमीन कबूल नहीं करती, जमीन कबूल नहीं करती। फकत ये कहो कि करबला हिसाब किताब का वो मकसद अलग है, वो इंशाल्लाह कभी होगा, अर्ज करूंगा कि क्या मकसद हिसाब व किताब का, मंजिल और मकाम होता है, सब कुछ खुदा के पास अदलो इंसाफ के साथ है। जमीन कबूल नहीं करती। एक औरत थी, बहुत बड़ी गुनाहगार, बहुत बड़ी गुनाहगार, ऐसी गुनाहगार। देखिए बात चीज़ें क़यामत तक के लिए, जैसे किस्से हैं कुरान पाक में, ये किस्से फ़कत खुदा का मकसद किस्से बयान करना नहीं है, हिदायत के लिए किस्से हैं। तो ये आइम्मा के जो वाक़यात हैं ये हमारी हिदायत के लिए है। उसको दफन किया गया, ज़मीन कबूल नहीं करती, ज़मीन ने वापस फेंक दिया। वापस आए, पता चला कि उस औरत का जो है वापस ज़मीन ने फेंक दिया है, ज़मीन कबूल नहीं करती। दोबारा दफन किया, दोबारा फेंक दिया। तीसरी मरतबा दफन किया, तीसरी मरतबा वापस फेंक दिया। अब लोग आए मेरे और आपके पांचवें इमाम के पास और कहा दुरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। कबूल नहीं करती है ज़मीन। आपने इरशाद फरमाया कि ज़मीन कबूल करेगी, बस एक काम करो, इसकी पेशानी पर और इसके हाथों पर खाके करबला मल दो। खाके करबला इसकी पेशानी पर और इसके हाथों पर मल दो। जब इसके हाथों पर और पेशानी पर खाके करबला को मला गया और दफन किया गया तो ज़मीन ने उसको कबूल कर लिया, ज़मीन ने उसको कबूल कर लिया। ये काके करबो बला की मंजिल है, इसको कहते हैं काके करबो बला। हाँ, ये मुगालता नहीं रह जाए, जैसा कि पहले भी अर्ज़ किया यकीनन हिसाब व किताब का सिलसिला है, यकीनन सब चीज़ें हैं, लेकिन बाज़ चीज़ें रहती हैं जो शरीयत के लवाजमात में से है। अब दफन करने की मंजिल पर ज़रूरी है कि दफन हो, उसके बाद फिर सवाल हो जवाब, और जो चीज़ें हैं वो बात का मरहला है, वो तफसील है, वो मुझे इंशाअल्लाह कभी अर्ज करूँगा। तो ये करबो बला की और आखिरी बात, खाके करबो बला, दो जगहों की दो फजीलतें बयान हुई हैं। नजफ़ अशरफ के लिए जो शख्स नजफ़ में दफन होगा उससे हिसाब किताब नहीं होता रिवायतों की वजह, जो करबला में दफन होगा उसे फिशार कब्र नहीं है, उसे फिशार कब्र नहीं है। और ये हमारी मंजिल नहीं, जनाब वहीद बहपहानी उस अजीम हस्ती का नाम है जो मेरा सिलसिला कलाम रह रहा है, इंशाअल्लाह अर्ज करूँगा आज रात को, किस अजीम हस्ती का नाम है कि जो बका है, इन्हें मतलब कि बका बचाया है, वहीद बहपहानी। उन्होंने भी ये रिवायत सुनी हुई थी, ये रिवायत इतनी मशहूर है, हमारे शेख ने अपनी किताब में जनाब ने नकल की है, मफातिहुल जिना में नकल की गई है और दूसरी किताबों में। तो उन्होंने सुना कि ये चीज़ है कि फिशार कब्र नहीं होता। तो इमाम अलैहिस्सलाम तो यह जहन में था, क़ौम में मौला को देखा, इमाम हुसैन तशरीफ़ लाए हैं, और पूछा कि मौला ये बताइए, मैंने ये सुना है जो शख्स करबो बला में दफन हो उस पर फशार कब्र नहीं है। आपने इरशाद फरमाया कि हाँ, तुझे इसमें शक है क्या? तो अब फिर आपने एक मिसाल देकर इरशाद फरमाई कि मैं उससे अफजल हूँ जो टड्डियों की हिफाजत करने वाला है। अना अमा मुजीरुल जीरान, जीरान कहते हैं टिड्डियों को। ये टिड्डियों से ये नहीं, अरबों में टिड्डी का होता था, तौज़ीहुल मसाइल में भी उनके मसाइल पहले ज़माने में बयान होते थे। टिड्डी थी एक जानवर होता था, परिंदा, जिसको ये अरब खाया करते थे, तो उनके मसाइल तौज़ीह में भी मौजूद हैं। अना आमा मुजीरुल जीरान, मैं उससे अफजल हूँ जो टिड्डियों का बचाने वाला, जिसने टिड्डियों की हिफाजत की। एक पुराना वाक़या है कि एक ज़माने में जब ये टिड्डियाँ खाई जाती थीं, तो परिंदा खाया जाता था, एक काफिला ठहरा हुआ था, लोग ठहरे हुए थे, एक शख्स अपने खेमे के बाहर बैठा हुआ था, तो वहाँ पर उसके खेमे के अतराफ टिड्डियाँ आकर बैठ गईं। तो अब दूसरे लोग जिनको पता था कि टिड्डियाँ खाते थे, शिकार करते थे, वो अपना अपना शिकार का सामान लेकर आए कि हम इन टिड्डियों का शिकार करेंगे। वो शख्स नेज़ा लेकर खड़ा हो गया और कहा मैं शिकार नहीं होने दूंगा। कहा क्यों नहीं होने दूंगा? कहा इसलिए नहीं होने दूंगा कि ये अभी मेरी अमान में आई हैं, जब तक ये मेरी अमान के अंदर हैं इनका शिकार मैं नहीं होने दूंगा। नेज़ा लेकर खड़ा हो गया, जब तक वो टिड्डियाँ अपनी जगह पर मौजूद रहीं वो हिफाजत करता रहा, जब वो उड़ गईं कहा अब तुम जानो और इनका काम जाने। तो इमाम ने फरमाया अना आमा मिल मुजीरुल जीरान, मैं टिड्डियों के हिफाजत करने वाले से ज़्यादा हिफाजत करने वाला हूँ। जो कोई भी मेरे आपे में आकर दफन हो जाता है वो फिशार कब्र से मशहूर है। और उलमा ने एक और बात बयान की, आखिरी जुमले हैं, फिशार कब्र से क्यों महफूज है? उसकी एक वजह है करबला में जो शहीद हुए हैं ना वो फकत शहीद ही नहीं हुए, वो ज़ख्मी भी हैं। हर एक शहीद बहुत ज़्यादा ज़ख्मी भी है। तो अगर फिशार की मंजिल आए तो उन जख्मियों को अजियत पहुंचेगी। खुदावंदे करीम ने फिशार को दूर कर दिया। हाँ, बस अरबाब अज़ा रोज़े अरबईन है ना, आप पुरसा देने आए हैं, पुरसा देने आए हैं ना, बीबी को पुरसा दे रहे हैं ना। आज आप देते रहे, 2 महीने 8 दिन पुरसा देते रहे, मगर जो अरबईन का पुरसा है ना, जो अरबईन का पुरसा है उसका कोई नेमुल बदल नहीं मिलता। आपको पता है कितनी बड़ी फजीलत है अरबईन की। खुदा हम सबको जाना नसीब करे। मेरे मौला ने जो 5 निशानियां मोमिन की बताई हैं, उनमें से एक निशानी ज़ियारत रोज़े अरबईन। अरबईन सैयदुश्शुहदा की ज़ियारत, हुसैन की ज़ियारत मोमिन की अलामतों में से एक अलामत है। आइए हम पुरसा दें, मगर आगाज़ में सबसे पहले मैं सलाम करूं। सलाम हो हमारा, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलिल्लाह, फर्जंदे रसूल हमारा सलाम। फातिमा के लाल हमारा सलाम। और सलाम हो हमारा, सलाम हो हमारा उस जज्बे अतहर पर जो करबला की ज़मीन पर बेगोरो कफन के पड़ा रहा। सलाम हो हमारा उस फर्क मुतहर पर जिसने नौ के नज़ा से कुरान की तिलावत की। हमारा सलाम। और सलाम हो हमारा उम्मे लैला, अली अकबर की माँ पर हमारा सलाम। शबीह पैगंबर की माँ पे हमारा सलाम। उस माँ पे हमारा सलाम, उस माँ पे हमारा सलाम के राह कूफा में एक औरत की नज़र जब अली अकबर के चेहरे पर पड़ी, शबीह पैगंबर के चेहरे पर पड़ी, उसने हाथों को उठा के दुआ की, खुदावंदा जब ये जवान इस दुनिया से गुजरा हो, इसकी माँ जिंदा ना हो, इसकी माँ जिंदा ना हो। ये सुनना था। उम्मे लैला तड़प गई। पूछा इसकी माँ से तुझे क्या लेना। उसने कहा नहीं बीबी, मैं तो इसलिए कह रही हूँ, ये ऐसा शहजादा है जब हमें देखकर तड़प रहे हैं तो माँ ने कैसे देखा हो। उम्मे लैला हमारा सलाम। और सलाम हो हमारा 6 महीने के बच्चे अली असगर की माँ पे हमारा सलाम। बीबी उम्मे रबाब हमारा सलाम। आपको पता है कौन है उम्मे रबाब? उम्मे रबाब उस बीबी का नाम है जो बादे करबला कभी साये में नहीं बैठी। बाबे करबला बीबी कभी साये में नहीं बैठी। एक दिन मेरा बीमार इमाम आगे बढ़ा, सैयदुस साजिदीन आगे बढ़ के कहा, अम्मा साए में चलो अम्मा। जूं ही मेरे बीमार इमाम ने उम्मे रबाब को उठाया, रूह क़फ़से अंसारी से परवास कर गई। और मेरे बीमार इमाम ने देखा जब उम्मे रबाब को खड़ा किया, एक पोटली सी है जो जनाब उम्मे रबाब की गोद से ज़मीन पे गिरी। मेरे बीमार इमाम ने खोला, खुदा आपकी औलाद को सलामत रखे। क्या देखा? अली असगर के छोटे कुर्ते उस माँ पे हमारा। रोज़े अरबईन है। उस माँ पे हमारा सलाम और सलाम हो हमारा मेरे उस बीमार इमाम पे हमारा सलाम जिसे अरब की गर्मी में तौखो सलासल में असीर किया गया। आपको पता है ज्यादा रोने वाले चार गुजरे हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम या हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, रसूल की बेटी फातिमा जहरा और मेरा चौथा इमाम। मेरा इमाम 35 साल अपने बाबा को रोया है, 35 साल अपने बाबा को रोए हैं और इतना रोए कि खून के आंसू रोए। और अगर किसी ने पूछा मौला मैंने सुना है आपके बाबा के जिस्म पे बहुत जख्म थे, आपके बाबा के जिस्म पे बहुत जख्म थे, तो मेरे मौला ने अपनी अंगुश्तरी उठाई उतारी और दिखा कर कहा मेरे बाबा के जिस्म पर इतनी सी जगह भी बाकी न थी जिस पर जख्म न हो। और जवानी में बूढ़े होते हुए दो ही को देखा, एक फातिमा जहरा जब दरबार से मेरी बीबी वापस आई थी बाल सफेद है। दूसरे मेरा बीमार इमाम। क्या हालत थी जब जनाब मोहम्मद हनफिया काफिला वापस पहुंचा। मोहम्मद हनफिया को पता चला काफिला आ चुका है, मोहम्मद हनफिया चले। मेरा भतीजा आया है ना, ज़ैनुल आबिदीन आए हैं ना, मैं पुरसा दूंगा। जाकर देखा कोई नजर नहीं आया। खेमे के दरवाजे पर एक ज़ईफ है, बाल सफेद है, कमर झुकी हुई है। करीब पहुंचे, ए ज़ईफ मुझे बता दे मेरा भतीजा कहाँ है। ज़ैनुल आबिदीन ने तड़प के सर उठाया, ए चाचा नहीं पहचाना। तड़प के कहा बेटा कैसे हुआ, कहा कोई मेरे दिल से पूछे ज़ैनब हो, उम्मे कुलसूम हो, कूफे का बाजार, शाम का। और तारीख में दो हस्तियां हैं जिनको जब गुस्ल दिया गया है ना, गुस्ल दिया गया है ना, तो सेहा फरमाया है, यानी चीख निकली है। पहली हस्ती जब अमीरुल मोमिनीन जनाब जहरा को गुस्ल दे रहे थे ना, गुस्ल दे रहे थे ना, अली जैसा साबिर, एक चीख निकली। फिजा घबरा गई, फिजा घबरा गई। आकर पूछा मौला ये चीख की वजह क्या है। मेरे मौला ने कहा वो रसूल की बेटी ने मुझे नहीं बताया, फातिमा ज़हरा की सारी पसलियां टूटी हुई है। खुदा किसी गम में ना रुलाए। रोजे अरबईन है, पुरजे का हक है। और तीसरी चीज ये है, ये तो फातिमा जहरा है। और दूसरी चीख जब मेरा पांचवा इमाम अपने बाबा को गुस्ल दे रहे थे, अपने बाबा को गुस्ल दे रहे थे, एक मर्तबा इमाम मोहम्मद बाकर की चीख निकली, चीख निकली। लोगों ने पूछा क्या माजरा है मौला, क्यों चीख निकली, क्या वजह हुई। कहा मेरे बाबा ने मुझे भी नहीं बताया था, 35 साल पहले जो पाँव गर्दन में पिनाया गया था अभी तक वो जख्म ताजा था। अभी तक वो जख्म मौजूद है। और सलाम हो हमारा सानिया जहरा ज़ैनब, हमारा सलाम अली की उस बेटी पर, हमारा सलाम जिसने कभी बाज़ारे शाम में, कभी दरबारे शाम में, कभी इब्ने ज़ियाद के दरबार में, जिसने अली के लहजे में हुसैनियत को समझाया है, उस बीबी पे हमारा सलाम। और आखिर सलाम हो हमारा 4 साला यतीमा हुसैन सकीना पर, हमारा सलाम। सकीना बीबी बड़ी हसरत थी ना, कोई पुरसा देने नहीं आता, कोई पुरसा देने नहीं आता, कोई तमाचे मारता है, कोई गोशवारे छूता है। आइए बीबी, ये आजादार, ये आजादार, बाबा का पुरसा लीजिए आजादार। बस अरबाब आजा आखिरी जुमलों की जहमत है। जब लुटा हुआ सामान आया था ना, जब लुटा हुआ सामान आया था, जनाब ज़ैनब ने देखा था इसमें छिनी हुई चादरें भी हैं, इसमें लूटा हुआ सामान भी है, अली असगर का जलाया हुआ झूला भी है, मगर सानिया ज़हरा ने उस सामान में से एक कुर्ते को उठा लिया, एक कुर्ते को उठा लिया। मेरे बीमार इमाम ने कहा, फूफी अम्मा ये कुर्ता कैसा है, फूफी अम्मा ये कुर्ता कैसा है? कहा बेटा, जब मैं छोटी थी ना, मैं देखती थी मेरी माँ एक कुर्ता सीते जाती थी, एक कुर्ता सीते जाती थी और रोते जाती थी। मैंने पूछा था, अम्मा अम्मा ये कुर्ता सी रही हो और रो रही हो, वजह क्या है? तो मेरी माँ ने कहा था, ज़ैनब मैं नहीं होंगी, तू होगी जब मेरा बेटा रुखसते आखिर के लिए हुसैन आए, ये कुर्ता उसे पहना देना। बेकस माँ की अमानत है, फातिमा ज़हरा की अमानत है। काफिला तैयार हुआ, काफिला तैयार हुआ। जब रवाना होने लगा, रवाना होने लगा, ज़ैनब ने कहा बेटा मैं करबला से होके जाऊंगी, करबला से होके जाऊंगी, भाई से रुखसत होके जाऊंगी। काफिला चला, काफिला चला। जब ज़ैनब की सवारी जिंदाने शाम में पहुंची है ना, आपकी औलाद को सलामत रखे। ज़ैनब ने कहा सवारी को रोक दो, सवारी को रोक दो। सवारी रोक दी गई। ज़ैनब ने आवाज़ दी, सानिया ज़हरा ने पुकारा, ऐ शाम की औरतों इधर आओ। शाम की औरतें आगे बढ़ीं। ज़ैनब ने कहा, ऐ शाम की औरतों हम वतन जा रहे हैं, लेकिन देखो हमारी एक अमानत, एक बच्ची इस तारीख जिंदान में है। वो बच्ची अंधेरे से बहुत घबराती थी। जब कभी आना चिराग रोशन कर देना, चिराग रोशन कर देना। काफिला चला, करबला नजर आई। जनाब जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी बयान करते हैं, पहले जाहिर हैं कब्र इमाम मजलूम के, अपने एक साथी के साथ शहादत की खबर मिली, अपने साथी के साथ कब्र हुसैन इब्ने अली की ज़ियारत के लिए जाबिर चले। जाबिर जब करबला में पहुंच गए और पूछा, साथी ने कहा, ए जाबिर अर्ज़े करबला आ गई। जाबिर ये सुनना था। जाबिर सवारी से कुटल गए, अमामे को फेंक दिया, जमीन के पैरों से जूतों को उठा दिया। नंगे पैर या अब्दुल्ला या हुसैन या हुसैन करते हुए आगे बढ़े। साथी से कहा मुझे मेरे इमाम मजलूम की कब्र पे बिठा दे। उसने कहा है जाबिर, मैं यहाँ कुछ कब्रें देख तो रहा हूँ मगर मुझे नहीं पता इन कब्रों में हुसैन की कब्र कौन सी है। कहा अच्छा ऐसा कर मुझे इन कब्रों के दरमियान चले चल। साथी ने हाथ पकड़ा और कब्रों के दरमियान जाबिर को खड़ा कर दिया। जाबिर ने एक तरफ रुख किया, अस्सलाम अलैकुम या अबा बिल्लाह, अस्सलाम अलैकुम या इब्ना रसूल अल्लाह। एक खबर से आवाज आई, वालेकुम सलाम जाबिर, हमारा सलाम। अभी जाबिर मौला की ज़ियारत किए थे। जाबिर को गश आ गया। आलम गशी में क्या देखा, इमाम मजलूम आए हैं मगर किस हालत में आए हैं, सर तन से जुदा हुआ है, जिस्म जख्मों से चूर है। जाबिर मौला ये क्या हालत है, पुरसा दिया। ऐसे में अचानक मेरे मौला ने कहा जाबिर यहाँ से उठ जाओ जाबिर मेरी कब्र से बहुत दूर चले जाओ। जाबिर ने हाथों को जोड़ दिया, मौला कुछ गलती हो गई, मौला कोई खता हो गई। मौला कहा नहीं जाबिर, मेरी बहन आ रही है, ज़ैनब आ रही है। अरबाब अज़ा जूही ज़ैनब की नजर कब्रे हुसैन पर पड़ी, अपने आप को हमारी से गिरा दिया, घुटना के बल चलती हुई कब्र पर पहुंची, हाथों को रख के कहा भैया ज़ैनब आई है, भैया